मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने लव जिहाद अध्यादेश पर मुस्लिम युवाओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लव जिहाद का जो कानून पास किया जा रहा है उससे मुस्लिम युवाओं को काफ़ी टॉर्चर किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम युवाओं को ये नसीहत दी है कि हिंदू लड़कियों को अपनी बहनें समझें और किसी भी तरह के प्यार के प्रलोभन में ना आए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने योगी सरकार के अवैध धर्मांतरण वाले अध्यादेश पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़के सभी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझे, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ऐसा कानून बनने जा रहा है जिससे उन्हें टॉर्चर किया जा सकता है। किसी भी प्रलोभन या लव के चक्कर में ना पड़कर अपनी जिंदगी बचाएं। लव जिहाद से जोड़कर देखे जा रहे इस अध्यादेश को सपा सांसद ने केवल भाजपा का पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। देखिए, लव जिहाद ये इस वक्त तो जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। हमारे देश में हजारों साल से बच्चे जो बालिग हो जाते हैं अपना जीवन साथी को चुन लेते हैं, हिंदू मुसलमान से शादी करते हैं और मुसलमान हिंदुओं से भी शादी करते हैं। हालांकि बहुत कम तादाद में ऐसा होता है, लेकिन इसमें भी जो लव जिहाद की बात चल रही है और जो केसेस दिखाए जा रहे हैं, अगर आप उनकी डिटेल में जाएंगे तो पता ही चलेगा कि अब शादी तो मर्जी से हो गई, पता भी था कि ये मुसलमान लड़का है, लेकिन जब हालात और सोसाइटी से उनके ऊपर प्रेशर बनता है या कोई ऐसी बात उनके घरों में होती है, नाराज़गी होती है, तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि साहब हमें तो मालूम ही नहीं था कि मुसलमान है, और वो लव जिहाद के नाम पे आ गया। या लव जिहाद क्या मुसलमान लड़की हिंदू लड़कों से शादी नहीं करती, उनके लिए कोई कानून है? मेरी तो सलाह यही है, ख़ासतौर से मुसलमान बच्चों से मेरी सलाह यही है कि अपनी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे कि उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके टॉर्चर किया जा सकता है। अपने आप को बचाएं और किसी भी प्रलोभन में या किसी भी लव के चक्कर में ना पड़ के अपनी ज़िंदगी बचाएं। भाजपा का तो काम ही रहेगा कैसे हिंदू मुस्लिम करें। जब कहीं कोई चुनाव होता है वो कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं कि जिससे थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिमों के बीच के दरारें का फासला और बढ़ जाए। चाहे वो आपने तो देखा है इनकी ज़हनियत को, इन्होंने एक बीमारी को भी हिंदू मुसलमान ने बदल दिया था। जब इस इतना गिरा हुआ गंदा काम कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।